नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। अभी हम ठेठा डबरी बोल के एक एरिया है बिलासपुर में, जहाँ स्लम एरिया है, मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। अभी हमें बड़े दुख की बात है, पता चला है कि एक जो बेचारे हैं घर के जो काम करने वाले जो मुखिया थे, उन्हें करैत बाइट हुआ है। तो चलिए सही में देखते हैं कि करैत है कि नहीं है, और उन्हें हमें मरीज को इमीडिएट हॉस्पिटल भेजे हैं। चलिए देखते हैं, हमारे साथ इस वीडियो में रास्ते में होंगे। हेलो, एक मिनट, मैं जो करेंट बाइट हुआ, मैं अभी साफ पकड़ो की बात करता हूँ। ये फैमिली है, और ये शायद इनकी धर्मपत्नी है और बच्चे हैं, और कहाँ ये घर पे था ना? हाँ। और बता रहे कि इस घर पे है। कूलर के नीचे ना, यहाँ सोए थे। हाँ। देखिए दोस्तों, ये इस जगह पे सोए थे बता रहे हैं, और यहाँ करैत जैसे इन्होंने कहा है। दोस्तों जैसे इन्होंने कहा था, ये कॉमन क्रेत है। और कहाँ पर काटा उनके? ये बिस्तर पे सोए हुए थे। हाँ। कूलर को बाहर करिए, कूलर को बाहर करिए, थोड़ा खींच लीजिए। नहीं बोला तो था ना उस दिन हम लोग के यहाँ भी। नहीं है, चलो चलेगा। छूट के रूम में हाँसी पकड़ना, हाँसी पकड़ना पड़ेगा। इसमें है क्या? दोस्तों जैसे इन्होंने कहा था कि करैत बाइट हुआ है, और एकदम सही कहा इन्होंने, करैत बाइट है। और कहाँ हाथ पे पकड़ा था सांप? नहीं, पैर में। पैर पे, पैर पे अंगूठा भी गया ना। चलिए मैं उनका टीम वाला बोल रहा हूँ, थोड़ा सा रेस्क्यू कर रहे हैं, 5 मिनट रुक जाइए, फिर बात करते हैं। जी जी, रेस्क्यू कर रहे हैं, सांप पकड़ रहे हैं, 5 मिनट रुक जाइए। हाँ हाँ ठीक है, बात आपसे करेंगे, थोड़ी 5 मिनट रुक जाइए बस। उठा कर दोस्तों, जिस तरह से आपने देखा कि कंजेस्टेड प्लेस पे वो यहाँ सोए हुए थे, क्योंकि ये हमारे मजदूर गरीब भाई लोग किस कंडीशन में रहते हैं आप देख सकते हैं, और आपको मालूम भी है। और इनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, और ये
टेंट हाउस में काम करते हैं और अपने जीविका पालन करते हैं। और जिस तरह से इन्हें स्नेक बाइट हुआ, करेत बाइट हुआ इन्होंने कहा था, और 15 मिनट के अंदर बहुत समझदारी का काम किया गया, जल्द से जल्द उसको हॉस्पिटल भेजा गया। तो यहाँ बिलासपुर में हमारे मंगला चौक में रमणी हॉस्पिटल है, तो अमेरी चौक में रमणी हॉस्पिटल है, और उस अभी जाके हम उनसे मिलेंगे। और आप लोग ज़रूर दुआ करिएगा, और दुआ में बहुत ताकत होता है। और जहाँ तक मेरे ख्याल से इतना जल्दी हॉस्पिटल भेज दिया गया, कुछ नहीं होगा। और सिस्टर, आपके हस्बैंड सही सलामत घर आएंगे, चिंता मत करिए, क्योंकि बहुत समझदारी का काम किया गया कि 15 मिनट में हॉस्पिटल भेज दिया गया। और यही करना चाहिए कि चाहे कोई से भी सांप काटे, और जल्द से जल्द अगर हॉस्पिटल भेज देंगे तो कुछ नहीं होगा। तो चलिए हम आगे आपको उनकी स्थिति को दिखाते हैं और हॉस्पिटल में जाके मिलते हैं। ये तीन बच्चे हैं, और भगवान से आप दुआ करिए, ऐसा कुछ नहीं होगा। और सिस्टर, ऐसा कहीं करते ही चिंता मत करना, और हम लोग जा रहे हैं, और जहाँ तक कुछ भी ज़रूरत होगा हम लोग सहयोग करने के लिए तैयार हैं। तो अभी रात के 2 बज रहा है, और हमने जिस तरह से मरीज को अभी कॉमन करेत बाइट हुआ था, तो उसको 10-15 मिनट के अंदर हमने हॉस्पिटल भिजवा दिया था, और वो अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, और उसको 10 एंटीवेनम दे दिया गया है। भगवान से आप दुआ करिए, हमारे जितने फॉलोअर्स हैं, जितने हमारे सब्सक्राइबर हैं, और आई थिंक भगवान की दया से ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि 10-15 मिनट के अंदर हमने हॉस्पिटल भिजवाया, और डैम श्योर उनकी जान बच जाएगी। और इस करेत को हम रिलीज़ कर रहे हैं। ये देखिए, जाते हुए देख सकते हैं, भारत का सबसे जहरीला सांप। नमस्कार दोस्तों, बड़ी खुशी की बात है कि कल बहन के हस्बैंड को स्नेक बाइट हुआ था, कॉमन करेत, जो लोकल हम करेत घोड़ा करेत के नाम से जानते हैं। और इनके 3 छोटे बच्चे हैं, आज एक छोटा बेटा आया है, और बहन बहुत चिंतित थी। और सबसे बड़ी बात, तो मैंने वीडियो में अपने आज के वीडियो में टाइटल डाला है कि 3 बाबा की वजह से जान बची, 3 बाबा ने इनकी हस्बैंड की जान बचाई है। वो कैसे, तो 3 बाबा कौन है? हम कोई रूमर नहीं फैला रहे, अंधविश्वास नहीं फैला रहे, बाबा वही है कि पहला बाबा समय। अगर आप स्नेक बाइट में समय बर्बाद करेंगे तो आपकी जान कोई नहीं बचा सकता। दूसरा बाबा है सांप के जहर से बना इंजेक्शन एंटीवेनम। तीसरा बाबा डॉक्टर। ये 3 बाबा ही मिलके आपके डॉक्टर आपकी जान बचा सकते हैं, अन्यथा कोई जान नहीं बचा सकता। जितने बाबा हैं सब ढोंगी है, आपके जान से प्रिय जो है उसकी जानों से खेलते हैं, और झूठी अपना अंधविश्वासों के चक्कर में लोगों से पैसा ऐंठते हैं। तो कतई आप ऐसे बाबा के चक्कर मत जाइए। कि देखिए, आज इनके चेहरे से इतना बड़ा चिंता हटा कि आज अगर सपोज़ भगवान ना करे कुछ हो जाता, तो ये 3 बच्चे अपने पापा को दोबारा कभी वापस नहीं पाते, और मेरी बहन कभी उनको वापस नहीं पाता। तो ये वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि भैया, आप झाड़ फूँक के चक्कर में अपने जान से भी प्यारे जो घर के अपने बेटा है, भाई है, बहन है, माँ है, ऐसे लोगों की जान मत खोइए। कल जब सांप इनको काटा, 15 मिनट में हमने हॉस्पिटल भेजा, और सांप को 11:30 बजे रेस्क्यू किया, और आपको जान के आश्चर्य होगा, और ये परिवार खुद बताएगा। तो आप बताइए, आप ये इनके भाई हैं, बताइए आप। जी, हम लोग बाबा के पास जाने वाले थे, बाबा को लेके आने वाले थे, कि बाबा ही तत्काल में कुछ कर सकता है। और हम लोग गरीब परिवार से हैं, हम लोग के पास उतना पैसा भी नहीं है कि हम लोग अच्छे से इलाज करवा पाते। तो बाबा को सोचे थे कि लेके आएं और उनसे इलाज करवाएं ऐसे करके, लेकिन ये भाई कमल चौधरी जी ने हमको सूचित किया कि आप अपने भाई का जान बचाना चाहते हैं तो आप हॉस्पिटल में एडमिट करें, ताकि उनसे अच्छे से तरीके से उनका इलाज चल सके और ठीक हो जाए। मैं बताना चाहूँगा, ये इनके ब्रदर हैं, और ये जिस तरह से आपको बताएं कि इन लोग कल बाबा लाने के चक्कर में थे, हम लोगों ने इनको समझा के गए हैं, और कल 3:30 बजे हम घर गए हैं।
कल ये कहने के जब हम इनके घर से करेक्ट पकड़ के ले जा रहे थे तो इनका मामा ये कहता है कि भैया उस सांप को मत ले जाइए, क्योंकि यहाँ एक अंधविश्वास फैला हुआ है कि जिसको सांप काटता है उस सांप को निगरानी में रखना चाहिए घर में और उसको ढाक के रखना चाहिए, अगर मार देंगे तो सांप को मार देंगे या सांप को भगा देंगे तो मरीज मर जाएगा। तो ये अंधविश्वास है, मिथ है, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कल सांप को हम कल ही छोड़ दिए थे रात के और आज इनका भाई एकदम स्वस्थ है, बातचीत कर रहे हैं और एकदम कल डिस्चार्ज भी कर देंगे, क्योंकि स्नेक बाइट में सबसे पहले मैंने बताया टाइम, और कल शुरू का 6 घंटा मेन होता है, वो 6 घंटे के बाद 12 घंटा, 12 घंटे का 24 घंटा, 24 घंटे का 36, फिर 48 घंटा। तो ये क्राइटेरिया पार करता और 6 घंटे में क्लियर हो गया, इनके पति को कुछ नहीं हुआ और वो स्वस्थ होकर घर जाएंगे, बहुत खुशी की बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी जानकारी में अभी तक का इस सीजन में करीब करेत बाइट में 35 लोगों की जान चली गई मेरी जानकारी में, और उनके पीछे सबसे बड़ा कारण रहा झाड़ फूंक देसी इलाज। आपको मैं कल बताना चाहूँगा कि अभी बताना चाहूँगा कि मैं इसके पहले नहीं बताया था, कल अगर मैं बताता तो शायद सिस्टर घबरा जाती और उनका मनोबल टूट जाता। तो आपके पति को जो सांप खटा था, भारत का सबसे जहरीला सांप कॉमन क्रेज जिसे हम घोड़ा क्रेज कहते हैं नुकल में, और उसका जहर नाक से भी 6 गुना से आग में तेज होता है, और अभी तक 35 लोग करीब मर गए उसके काटने से, और उसके पीछे कारण था झड़पों की देसी इलाज। और कल आपकी जो सासू माँ या भैया जो है बाबा को लाने के चक्कर में थे, तो अगर ऐसा कुछ करते हैं तो आज वो जीवित नहीं होते। दूसरी बात, और इनकी जान इसीलिए बची कि बिना समय गंवाए ये डॉक्टर के पास आए, तुरंत उनको 10 एंटीवेनम लगाया गया हमारे सामने, फिर 10 एंटीवेनम लगाया गया। आज चमत्कार देखिए, सबसे जहरीला सांप काटने के बाद भी इस दुनिया में है। तो प्लीज़ आप लोग भी यही करिए, अगर आपके आसपास कोई सांप काटता है किसी को आपके जानकारी में, तो किसी बाबा के पास जाने मत दीजिए और ऐसे बाबा के खिलाफ कंप्लेन करिए, आप लोग अपने वहाँ से बाबा को मार के भगाइए, क्योंकि हमारा एक ही उद्देश्य है कि सर्पदंश से होने वाली मौतों में कमी आए और झाड़फूंक के चक्कर में किसी की जान ना जाए। और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी एक ही कोशिश है कि मेरे जितने सब्सक्राइबर हैं, मेरे फॉलोअर्स हैं और भी जो हमारे वीडियो को देखेंगे, इस वीडियो को हर एक आदमी अगर 10 लोगों को भी शेयर करेगा तो कम से कम अगर मेरे 7 लाख सब्सक्राइबर हैं, हिसाब कर लीजिए कितना लाख हो जाएगा, और कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा होगा। अगर हम आपके हमारे प्रयास से उस वीडियो को नॉलेज से ऐसे चमत्कार को देखते हुए जो जिसकी काटने से 98-99% मौत निश्चित है और वो आज जीवित है, सही सलामत है, तो ये चमत्कार है। इस वीडियो के माध्यम से किसी की जान बचेगी और ये आप में और हम में अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और हम सबको प्रयास करना चाहिए और किसी के से आपके प्रयास से हमारे प्रयास से किसी की जान बचेगी। तो इसलिए प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, लोगों तक पहुँचाइए, ताकि कोई स्नेक बाइट में झाड़ फूँक देसी इलाज ना करे। थैंक यू, जय हिंद, धन्यवाद।